जो भी क्लास टेंथ के स्टूडेंट हैं हिंदी के लिए सेकंड सिटिंग में एग्ज़ाम दिए हैं 21 फरवरी 2020 को, तो इस वीडियो को अंत तक देख करके अपने ऑब्जेक्टिव का मिलान कर सकते हैं। यह प्रश्न पत्र सेट एच है, आपका कोई भी सेट हो हम इस प्रकार से बताएंगे कि आप सभी सेट का क्वेश्चन का मिलान कर लेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हलकारे का अर्थ होता है, तो देखिए आप अपने क्वेश्चन में खोजिए कि हलकारे आपके क्वेश्चन कितने नंबर में है और उसमें आप टिक मारिए। वीडियो को तब तक रोक दीजिए। अब देखिए इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा हल जोतने वाला। अगला ऑब्जेक्टिव है कड़ा की संधि का भेद नहीं है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर होगा संज्ञा संधि, ये संधि के भेद नहीं है। अगला ऑब्जेक्टिव है कड़ाई की ई वर्ण है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा दीर्घ स्वर, तीन का सही ऑप्शन आपको बी। ऑब्जेक्टिव नंबर चार कड़ाई की उच्चारण का सही संधि विच्छेद है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा उत्जोर चारण, ये उच्चारण का सही संधि विच्छेद है। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात कर लेते हैं। कड़ाई की सात्विक का विपरार्थक शब्द है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा तामसिक। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात कर ले। ऑब्जेक्टिव नंबर छः कड़ाई की मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर होगा माँ। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव नंबर सात की बात करें, तो कड़ाई की बिस्मिल्ला खां के बचपन का क्या नाम था, तो बिस्मिल्ला खां के बचपन का जो नाम था वो था अमीरुद्दीन, ऑप्शन बी, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा अमीरुद्दीन। अगला ऑब्जेक्टिव कड़ाई की सुजान रसखान किसकी रचना है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा रसखान की। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात कर ले। ऑब्जेक्टिव नंबर नाइन कड़ाई की बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा मुहर्रम, तो नौ का सही ऑप्शन आपको हो गया सी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात कर ले, तो अगला ऑब्जेक्टिव है कड़े की काशी किसकी पाठशाला है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा संस्कृति की। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात करें। ऑब्जेक्टिव नंबर 11 कड़े की उसने कहा कि कल मैं पटना जाऊंगा कैसा वाक है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा मिश्र वाक। ऑब्जेक्टिव नंबर 12 कड़े की निम्न में कौन पदबंध के भेद नहीं है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको सी, आंसर होगा क्रिया विशेषण पदबंध, तो 12 का सही ऑप्शन आपको हो गया सी। अब हम अगले ऑब्जेक्ट की अब देखिए अगला ऑब्जेक्टिव है, तो देखिए इन लोग इनका जो है इसमें थोड़ा सस्पेंस है, फास्टली बनाएं, तो देखिए इनका कर्म पदबंध होगा कि क्रिया विशेषण पदबंध होगा, कमेंट करके आप लोग बताएं। अब अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात कर ले कर कि जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे कहते हैं, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा बी, आंसर होगा द्वंद समास। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात करें। ऑब्जेक्टिव नंबर 14 है कड़े की दो का उच्चारण स्थान है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा दंत। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नंबर 15 कड़े की व्यंजन के अंत में हलंत लगाने पर उसका मान होता है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा आधा। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव नंबर 16 की बात करें कड़े की मो अशुवनी ही ले बरसो कौन कहते हैं, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा घनानंद। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात कर ले कड़े की क्योंरी राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा मगम्मा ने। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात करें कड़े की लक्ष्मी का पति कौन था, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा लक्ष्मण, तो 18 का सही ऑप्शन आपको हो गया ए। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात करें कड़े की ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा गुजराती। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात करें ऑब्जेक्टिव नंबर 20 कड़े की एस रंगराजन का वास्तविक नाम है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा सुजाता का, तो ऑप्शन ए आपको बी हो गया। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात करें कड़े की टेबल पर किताब है तो यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है, तो इनका पर देखिए पर जो हो गया यहाँ पर अधिकरण का हो गया ऑप्शन डी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात करें ऑब्जेक्टिव नंबर 22 कड़े की मैदान में सभा हो रही है यहाँ सभा कौन सी संज्ञा है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा समूहवाचक। ऑब्जेक्टिव नंबर 23 कड़े की चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा लक्ष्मी।
अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात करें, कह रहे कि हो शब्द का प्रयोग सदैव होता है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा बहुवचन। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता उसे कहते हैं, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर होगा अव्यय। अगला ऑब्जेक्टिव नंबर 26 कह रहे कि कुमार गंधर्व क्या है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा शास्त्रीय गायक। ऑब्जेक्टिव नंबर 27 कह रहा है कि रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा आविनियो। ऑब्जेक्टिव नंबर 28 कह रहा है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर होगा उर्वशी। ऑब्जेक्टिव नंबर 29 कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष आविनियो में कैसा समारोह आयोजित होता है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा रंग समारोह। ऑब्जेक्टिव नंबर 30 कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा इंदिरा गांधी। ऑब्जेक्टिव नंबर 31 कह रहा है कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा माँ के पास। ऑब्जेक्टिव नंबर 32 कह रहा है कि निबंध के लेखक हैं, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा गुणाकर मूल्य। ऑब्जेक्टिव नंबर 33 कह रहे कि तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर होगा अज्ञेय। ऑब्जेक्टिव नंबर 34 कह रहे कि हिरोशिमा किस देश में, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा जापान। ऑब्जेक्टिव नंबर 35 कह रहे कि दूर से ही ललकारता कौन है, मैं जवाब देता दोस्त पंक्ति किस पाठ से है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा एक वृक्ष की हत्या। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव नंबर 36 की बात करें, कह रहा है कि आई वॉन्ट डैट गर्ल एडमिटेड नाउ किसने कहा, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा डॉक्टर। ऑब्जेक्टिव नंबर 37 कह रहा है कि नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा सुजाता। अब अगला ऑब्जेक्टिव नंबर 38 है, कह रहा है कि तीन बेटे डॉट डॉट दो वक्त की रोटी डॉट डॉट एक माँ किस कहानी की पंक्ति है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर होगा धरती कब तक घूमेगी। ऑब्जेक्टिव नंबर 39 कह रहा है कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी, तो देखिए नजम्मा मगम्मा की बहू थी, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा बहू। अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात करें नंबर ऑब्जेक्टिव नंबर 40 कह रहा है कि निम्नांकित में कौन शब्द शुद्ध है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ये, आंसर होगा देवनागरी। ऑब्जेक्टिव नंबर 41 कह रहा है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य कौन सी विधा है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा निबंध। अब अगले ऑब्जेक्टिव नंबर 42 की बात करें, कह रहे कि स्वदेशी पाठ के रचनाकार हैं, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर होगा प्रेमधन। ऑब्जेक्टिव नंबर 43 कह रहा है कि रेनर मारिया रेल के किस भाषा के कवि हैं, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा जर्मन भाषा। ऑब्जेक्टिव नंबर 44 कह रहा है कि जित जित मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की विधा है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा साक्षात्कार। ऑब्जेक्टिव नंबर 45 कह रहा है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा चाचा। ऑब्जेक्टिव नंबर 46 कह रहा है कि कौन चाहते थे कि सभी देश की संस्कृति की हवा उसके घर के पास बहती रहे, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा महात्मा गांधी। ऑब्जेक्टिव नंबर 47 कह रहा है कि गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा तलवंडी। ऑब्जेक्टिव नंबर 48 कह रहा है कि मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर होगा नरेन। ऑब्जेक्टिव नंबर 49 कह रहा है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर होगा अंग्रेजी। ऑब्जेक्टिव नंबर 50 कह रहा है कि रसूलन बाई थी, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा गायिका। ऑब्जेक्टिव नंबर 51 कह रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर पाठ कि कभी कहाँ लौटने की बात कहते, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर होगा बंगाल। हम अगले ऑब्जेक्टिव नंबर 52 की बात कर लेते हैं, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा यह किसने कहा, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा अंबेडकर। ऑब्जेक्टिव नंबर 53 कह रहा है कि सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पाँचों किसकी बहने थी, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा खोखा की। ऑब्जेक्टिव नंबर 54 कह रहा है कि प्लेटो और कांट थे महान, इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा दार्शनिक। ऑब्जेक्टिव नंबर 55 कह रहा है कि तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा डी, दक्षिण भारत की।
ऑब्जेक्टिव नंबर 56 कह रहा है कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर होगा रामविलास शर्मा। ऑब्जेक्टिव नंबर 57 कह रहा है कि रामायण पाठ के रचना किस भाषा में, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा संस्कृत भाषा। ऑब्जेक्टिव नंबर 58 कह रहा है कि अमरकांत लिखित कहानी का नाम है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर होगा बहादुर। ऑब्जेक्टिव नंबर 59 कह रहा है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा युद्ध में। ऑब्जेक्टिव नंबर 60 कह रहा है कि द्विवेदी जिससे किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो एक लड़की ने पूछा था, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर हो गया लड़की ने।